पहली बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। कियारा का है बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कनेक्शन। फिल्म में दिखेंगे रीमेक सॉन्ग्स। फिल्म भूल भुलैया 2 के रीमेक में हमें मेन लीड में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिल्म में हमें तब्बू भी देखने को मिलेंगी। तब्बू को तो आप सब जानते ही होंगे, ये बॉलीवुड की काफी टैलेंटेड और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। तब्बू एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। इनके पापा जमाल हाशमी भी एक काफी अच्छे एक्टर थे। इन सब के अलावा ये बॉलीवुड के ओल्ड फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी की भी कुछ लगती हैं। इन दोनों की रियल लाइफ में जो कनेक्शन है वो काफी कम लोग जानते हैं। इंडियन फिल्म के फेमस सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी रिश्ते में तब्बू के अंकल हैं और शबाना आजमी बाबा आजमी की बहन है। इस हिसाब से तब्बू शबाना आजमी की नीस लगती हैं। वेल, तब्बू की फैमिली में से मोस्टली लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता है, क्योंकि तब्बू हमें ज्यादा फिल्मों में दिखती नहीं है और अब ये काफी टाइम बाद भूल भुलैया 2 फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा काफी ब्यूटीफुल एंड काफी ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है। कियारा का रियल नेम आलिया है। इन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले अपना नाम चेंज करके कियारा रख लिया था, क्योंकि बॉलीवुड में ऑलरेडी एक आलिया नाम की एक्ट्रेस पहले से ही थी। कियारा आडवाणी का फैमिली बैकग्राउंड बॉलीवुड से रिलेट करता है, क्योंकि इनके फैमिली से मोस्टली लोग बॉलीवुड में थे। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि कियारा आडवाणी बॉलीवुड लीजेंड अशोक कुमार की ग्रैंड डॉटर है। इतना ही नहीं, इनका कनेक्शन बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड स्टार सलमान खान के साथ भी है। कियारा आडवाणी ने बताया था कि उनकी मॉम जेनेवीव आडवाणी और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त थे, और आगे उन्होंने बताया कि उनकी मासी शाहीन और सलमान एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे और वो शायद उन दोनों का फर्स्ट रिलेशनशिप रहा था। वेल, आपको बता दें कि सलमान की हेल्प से ही कियारा ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। कियारा ने बताया कि बॉलीवुड के इनिशियल डेज में सलमान ने उनकी काफी ज्यादा हेल्प की थी। फिल्म भूल भुलैया 2 एक कॉमेडी हॉरर फिल्म होने वाली है। बात करें इसके पहले पार्ट भूल भुलैया की, तो ये फिल्म काफी ज्यादा हिट रही थी। और इतना ही नहीं, इस फिल्म के सॉन्ग्स भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे और उस टाइम के बेस्ट सॉन्ग्स माने गए थे। लेकिन अब बॉलीवुड में एक चीज ट्रेंडिंग है और वो है रीमेक। हमें मूवीज के रीमेक्स तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन अब मूवीज में सॉन्ग्स के भी रीमेक नजर आते हैं। खबरों की माने तो कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल सकता है। इस मूवी में भी हमें एक पुराने सॉन्ग का रीमेक देखने को मिल सकता है। वेल, वो किस पुराने सॉन्ग का रीमेक होगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उस सॉन्ग में ओरिजिनल सिंगर्स ही लिए गए हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की दुनिया की बाकी अपडेट्स पाने के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब करें।